रजिस्टर्ड ही कैंडिडेट नहीं हो तो आगे का प्रोसेस वो आपको लापरवाही के नाम पे डाल के निकाल भी सकते हैं। उस चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, वर्किंग फाइन एंड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज। सो काफी टाइम से मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लोग एक ही चीजें पूछते हैं, रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है, कि ऑलरेडी कैबिन क्रू के इंटरव्यूज वॉक इन में चल रही है, वॉक इन इंटरव्यू है, हम रजिस्टर हो भी नहीं रहे वेबसाइट पे, रजिस्ट्रेशन का क्या फायदा, आप तो ऐसे ही बोलते हो। मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं ना कि कभी कभी मुझे थोड़ा सा इरिटेशन भी हो जाती है कि विदाउट प्रॉपर नॉलेज मैं आपको कभी कुछ गलत चीजें नहीं बताऊंगी। खुद जब एयरलाइंस वो चीज़ें कहती है तो मैं कौन होती हूँ आपको गलत गाइड करने वाली या कुछ भी करने वाली। सो डू नॉट रेज क्वेश्चंस ऑन मी कि मैं सब बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं कहती हूँ। जो मुझे एविएशन कहते हैं, जो एयरलाइंस में होती है, जो वेबसाइट पे होती है, मैं उन्हीं की जुबानी बोलती हूँ। तो उनका कहना है कि आप इंटरव्यू के लिए आओ पर आप रजिस्ट्रेशन करके आओ। अब आप कहते हो कि रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो पॉइंट भी क्लियर करूंगी कि रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन। तो सही बात है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप इंटरव्यू दे सकती हो, आप लास्ट राउंड तक भी जा सकती हो, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है विदाउट रजिस्ट्रेशन। लाइक आपने कुछ भी, आपको मालूम ही नहीं है वेबसाइट को लेके एंड आप सिर्फ यू इंटरव्यू के लिए चली गई हो, तो अब जाओ। मैंने हमेशा कहा है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है तो आप इंटरव्यू मत छोड़ो, इंटरव्यू के लिए बिल्कुल जाओ आप, बट ट्राई करो कि रजिस्ट्रेशन हो जाए आपसे। क्यों? क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाती हो, ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद में आपको वो सबसे पहले कहाँ ढूंढते हैं आपको मालूम है? वेबसाइट पे ढूंढते हैं, अपने इंडिगो के वेबसाइट पे ढूंढते हैं, आपका आपके नाम से वहाँ पे वो आपका कोड ढूंढते हैं, क्योंकि आप उसी हिसाब से आपका बैच डिसाइड होगा, आपके उसी हिसाब से आपका नेम डिसाइड करेंगे कि आपको किस बैच में डालनी है, कहाँ डालनी है, कौन से टाइमिंग में डालनी है, किस टीम के साथ डालनी है, वो सब चीज़ें डिसाइड होती है। वो बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, तो आप कहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे? ऑब्वियसली आपकी रजिस्टर्ड वेबसाइट पर, जहाँ पर आप ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर चुके हो। इसका मतलब है कि आप उस एविएशन के मेम्बर बन चुके हो पहले से ही, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है टू बिकम अ मेंबर, वहां के मेंबर बनने के लिए। अब क्या होगा कि आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो वहां के, तो जब आप सिलेक्ट हो जाती हो सो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी आपके बारे में बात पता करने के लिए, ढूंढने के लिए, क्योंकि एक एचआर आपको फिजिकली देख रही है, उस एचआर के ऊपर भी बहुत सारे ओनर्स हैं, बहुत सारे बॉस हैं जो कि आपके ऊपर पूरी चेकिंग करेंगे। सो आपका जब सिलेक्शन हो जाती है ना, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो, तो आपका नाम ऊपर पहुंचाया जाता है, आपकी रिज्यूम में आपकी सीवी ऊपर पहुंचाई जाती है, जो मेन है आपसे भी ऊपर है, जो आप ट्रेनिंग के लिए आपको देखेंगे या फिर वो चेक करेंगे, आपको क्रॉस चेक करेंगे, तो वो आपको क्रॉस चेक कहाँ करेंगे? आपके वेबसाइट पर चेक करेंगे कि कौन लड़की है। तो इसका पहले हम देखते हैं कि इसका प्रोफाइल देखते हैं, तो प्रोफाइल देखने जाएंगे तो आपका प्रोफाइल ही नहीं है, तो यहाँ आपका बहुत ही गंदा वाला कटेगा, बहुत ही गंदा माइनस पॉइंट है ये आपका, क्योंकि इसके वजह से अगर वो आपको मौका देते हैं कि रजिस्टर अगेन, रजिस्टर योर सेल्फ, तो बहुत सही है, बहुत लकी हो आप। बट अगर आपको वो बोलेंगे अपलोड योर सीवी वहाँ पे खड़े होके कि अपडेट योर सीवी एंड अपलोड इट नाउ, तो आप जब अपलोड करने जाओगे तो आपका कुछ रजिस्ट्रेशन है ही नहीं वहाँ पे, आप अपना नाम ही नहीं देख पा रही हो, आपको वापस से सब चीज़ें स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी एंड रजिस्ट्रेशन करना इन फ्रंट ऑफ एचआर और वो 5 मिनट के अंदर में बोलेगी करने के लिए, 5 मिनट के अंदर फॉर्म सबमिट नहीं होती है, फॉर्म टेक्स टाइम बिकॉज रजिस्ट्रेशन में काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है, कंफ्यूज हो गया आप इसमें क्या डालूँ, इसमें क्या डालूँ, सो वो उस वक्त में इंस्टेंट बोलेगी अपलोड करो डॉक्यूमेंट्स, क्या हुआ, क्या करोगे आप, क्या करोगे उस वक्त में। इसलिए वहाँ पे दिक्कत ना होए इसलिए हमेशा घर बैठ के 1 घंटा टाइम लो और उसको रजिस्टर करो। अगर मुश्किलें आ रही है तो सल्यूशन ढूंढो, एक नंबर से नहीं हो रही है तो दूसरे नंबर से करो, तीसरे नंबर से करो, पर रजिस्टर करके आप जाओ वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो आप सीधे सिलेक्ट हो जाओगे एंड सीधे आप लाइक आईफ्लाई के लिए भर्ती हो जाओगे, ठीक है। और ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ आप अपनी जेन्युइन ईमेल आईडी डालना, क्योंकि हर चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपके ईमेल आईडी पे ही मेंशन होगी, आपके ईमेल आईडी से ही वो कांटेक्ट करेंगे आपको। और आपकी ईमेल आईडी गलत है, आपकी ईमेल आईडी ही नहीं है, आप रजिस्टर्ड ही कैंडिडेट नहीं हो, तो आगे का प्रोसेस वो आपको लापरवाही के नाम पे डाल के निकाल भी सकते हैं उसी वक्त में, आपको तुरंत ही वहाँ से वो हटा भी सकते हैं, या फिर आप घर गई और घर जाने के बाद में ऊपर से जो ऊपर पोजिशन पर बैठे वो
आप प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं, आपकी प्रोफाइल नहीं मिल रही है, तो आपकी एचआर ज़रूरी नहीं है कि आपका साथ दे उस वक्त में कि किसी वजह से हम उसका प्रोफाइल प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से वो नहीं मिल रही है। इस पर क्या होगी ना, उस एचआर को सहना पड़ेगा और वो क्यों सहेगी बंदी या बंदा आपके लिए, वो क्यों सहे एक कैंडिडेट की गलती की वजह से, वो अपने सीनियर से क्यों डांट सुने कि जो कैंडिडेट को तुमने सिलेक्ट करा है वो तो वेबसाइट पर है ही नहीं, हाउ आई विल लाइक स्टार्ट द फर्दर प्रोसेस। सो दैट्स द रीज़न रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, विस्तारा हो, फिर आपका जो भी एयरलाइंस है, जितने भी सारे एयरलाइंस है मैं आपको बताती हूँ, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ के लिए क्यों ना हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए मैं बताती हूँ, फॉर्म फिल करके जाओ, एयर इंडिया के लिए वॉकिंग होती है बट रजिस्ट्रेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। सो किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें क्योंकि वो आपसे नहीं हो रही है, हमेशा वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि आप वो खुद देख लो कि क्या ये ज़रूरत है। अगर आपको वहाँ पे भी ना समझ आए तो आप इंटरव्यू सेशन में जाके आप वो चेक कर सकते हो, वो भी चीज़ें आप देख सकते हो, आप खुद एचआर से भी पर्सनली पूछ सकते हो विदाउट ब्लेमिंग मी, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं वीडियोज के थ्रू आपकी चीज़ की मदद कर रही हूँ ताकि इन फ्यूचर आप इस चीज़ को ना झेलो। रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पासवर्ड नहीं बताते हैं, कितना का पासवर्ड गलत बताते हैं, फॉरगेट पासवर्ड करो, वापस से न्यू ईमेल बनाओ, वापस से न्यू नंबर मम्मी का कर लो, पापा के नंबर से कर लो, जो भी करके रजिस्टर कर लो, हो जाएगा, कुछ भी तरीके से हो ही जाएगा। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कुछ और गाइड करने की, बट पहले आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि रजिस्टर्ड हो जाए। रजिस्टर्ड होने के बाद ना 9 महीने तक उस रजिस्ट्रेशन पे आप 50 बार भी इंटरव्यू दे सकती हो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी झमेला नहीं है, बट नेवर विड्रॉ योर एप्लीकेशन, यू विल गेट द चांस ऑल्सो, नेवर विड्रॉ योर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन विड्रॉ के बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, रजिस्टर नहीं होगी, कहीं भी कोशिश कर लो रजिस्टर नहीं होती है, इसलिए विड्रॉ करने से पहले 1,00,000 बार सोचना कि आपको इंटरव्यूज देनी भी है या नहीं देनी है, दैट्स इट। ओके, सो आई होप रजिस्ट्रेशन क्यों करनी है नहीं करनी है क्लियर हो गई हो, अगर क्लियर हो गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप, एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद कभी प्रॉब्लम हुई है तो आप वो मुझे ये भी बता सकते हो, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड आपको इंटरव्यू सेशन पे कभी प्रॉब्लम हुई है, कुछ दिक्कत हुई है, आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता सकती हो, ठीक है। सो दिस इज इट गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू, एंड आई होप मैंने आपको प्रॉपर गाइड करी इस चीज़ के रिलेटेड कि ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े बस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक और दिस सिली थिंग कि आपने रजिस्टर नहीं करी और आप कैबिन पर सिलेक्ट होने के बाद में भी आप रिजेक्ट हो गए और ग्राउंड स्टाफ सिलेक्ट होने के बाद में भी आपको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। सो दिस इज इट गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, और आप वैसे भी बिना किसी क्वेश्चन के भी आप मुझे प्यारे कमेंट्स कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।